वेलकम टू UUICI अल्टीमेट यूजफुल इंफॉर्मेशन चैनल ऑफ इंडिया। मैं हूं अभिषेक और दोस्तों आज का ये टॉपिक काफी सीरियस होने वाला है। बॉयकॉट मेटावर्स, स्टॉप मेटावर्स फ्रॉम एंटरिंग योर फैमिली एंड योर होम। देखिए, काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि वैसे तो मेटावर्स काफी अत्याधुनिक एक टेक्नोलॉजी से भरपूर चीज है, लेकिन जैसे ही ये घरों घरों में पेनिट्रेट होना शुरू होगी तो हमें कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखें और यदि आपको लगता है कि कुछ वैलिड पॉइंट्स मैंने आपके सामने लाए हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मगर आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, सबसे जरूरी ये जानना है कि वॉट इज मेटावर्स। जी हाँ, ये नाम जब से मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को कन्वर्ट करके मेटा कर दिया, तब से बहुत सारा हल्ला हो रहा है, बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं मेटावर्स के बारे में। आइए दोस्तों, आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, मैं उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल मेटावर्स है क्या। हम आज पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। पूरी जो दुनिया है हमारी, वो एक प्रकार से गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, वायर्स, टेक्नोलॉजी, वाईफाई, इस प्रकार की चीजों से कंप्लीटली कनेक्टेड हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा या रोल है हमारे मोबाइल्स का। जी हाँ, ऐसा कोई भी दिन आपका नहीं जाता होगा जिसके अंदर पे आप 4 से 5 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल ना करते हो, या फिर अपने काम के सिलसिले में आप लैपटॉप का यूज करते हो और वेरियस वेबसाइट्स और पोर्टल्स में जाके आप शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ सर्व करते रहते हैं। यहाँ तक कि आज के दौर में कोई भी ऐसा काम, ऑफिस का क्यों ना हो, घर का क्यों ना हो, वो सिवाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, या फिर मैं कहूँ कि बजाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, हो ही नहीं सकता। हमने ये भी पाया है कि बहुत से लोग घरों में भी लैपटॉप और अपने जो ऑफिस का काम है वो लेकर आके स्क्रीन के ऊपर टाइम स्पेंड करके करते हैं। कोरोना में हमने देखा कि मैक्सिमम बच्चे घरों के अंदर पे ऑनलाइन एजुकेशन लेने के चलते सारे समय स्क्रीन के सामने रहने लगे हैं। इवन देखा जाए तो मोटा मोटा अगर आप बाहर भी निकल के देखें तो कोई एक सोशल लाइफ या एक जो सर्कल हुआ करता था वो कुछ रह ही नहीं गया है। हर कोई स्क्रीन के ऊपर ही घुसे रहते हैं और ये एडिक्शन कुछ इस तरीके से बढ़ चुका है कि रात रात देर रात तक भी सोते सोते भी आप स्क्रीन में रह के अपनी वर्चुअल सोशल लाइफ को जीना पसंद करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। अब दोस्तों, एक वर्ड आया यहाँ पे वर्चुअल, और आइए मेटावर्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए अब मैं ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रख के आपके सामने ये 3 चीजों को उजागर करता हूँ: ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो पड़ी वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, या तो आप एक टेबल या कुर्सी, चेयर, या फिर कोई एक लैम्प, कोई भी आप एक वस्तु इमेजिन कर सकते हैं जो कि रियल एनवायरनमेंट की होती है, आप उसे टच, फील, महसूस कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी से तो वहां आप आते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में। कहने का मतलब, यदि उस वस्तु के बारे में आपको तमाम डिटेल्स जानने हो, उसकी कीमत कितनी है, वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई है, उसका वेट कितना है, या उसके बारे में और भी तमाम टेक्निकल डिटेल्स, तो आप किसी भी स्क्रीन या लेंसेज के थ्रू जब उसको अपने समक्ष रखते हैं उस वस्तु को, तो कुछ एडेड इंफॉर्मेशन आपको वो स्क्रीन या आपके चश्मे या लेंसेज से दिखाई देती है। ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। दोस्तों, ऑगमेंटेड रियलिटी को कहीं ना कहीं रियल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, रियल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू कि वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिलवा पाए। और इसीलिए दोस्तों, इसमें एटलीस्ट, मतलब AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी का जब आप उपयोग करते हैं, तो एटलीस्ट उसकी अच्छी बात यह है कि आप असल जिंदगी में वास्तविक जो वस्तु है उनके साथ में आप कनेक्टेड रहते हैं, रियलिटी में आप रहते हैं, और रियलिटी में ही आप कुछ एडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हासिल करते हैं। मगर जैसे ही बात यहां से आगे बढ़ती है दोस्तों, तो वहां आती है मिक्स्ड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की वो हल्की सी रेखा जिसको मेटावर्स पार करके पूरी तरीके से वर्चुअल रियलिटी में प्रवेश कर जाता है। स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे
कि किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब जो 100% फेक या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में बनाया जा सके और उसे आप वहां जाके वर्चुअली महसूस कर पाए या उससे खेल पाए या उसका आप उपयोग कर पाए, वो होती है वर्चुअल रियलिटी। और मेटावर्स दरअसल इसी चीज के ऊपर फोकस करता है। मेटावर्स यूज करने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरी, कुछ टॉप एंड इक्विपमेंट्स ऐसे यूज करने लगते हैं दोस्तों, जिसको कि धारण करने के बाद में या चेहरे पे या आपकी आंखों पे या पूरे बॉडी में आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। ये एक मिश्रण है लेटेस्ट हाईटेक टेक्नोलॉजी का वास्तविक जीवन के इंसानों के साथ में। दोस्तों इसके अंदर पे आप ग्लव्स या फिर किसी प्रकार का जैकेट या फिर किसी प्रकार के ऐसे आप ड्रेसेस पहन सकते हैं जिसके थ्रू आप ऐसी मल्टीपल चीजें कर पाएंगे जो वास्तविक जीवन में आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों मेटावर्स अगर मैं कहूं क्या है, तो एक 100% वर्चुअल एक वर्ल्ड है और जो टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुआ है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को मिश्रित करके। यहाँ पे आप चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसके लिए आप ऑडिटोरियम या स्टेडियम जाया करते थे, आप वो भी होस्ट कर सकते हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक जो गेम्स आप देखते थे अपने काउच पे, अपने सोफा सेट पे बैठ के या फिर आंखों के ऊपर कुछ चश्मे पहन के आप जो 3D में गेम्स खेला करते थे, अब आप ये माने कि आने वाले समय में वो मेटावर्स के थ्रू इतना ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएंगे कि आप अपने आप को उन गेम्स के अंदर महसूस एक किरदार के रूप में करने लगेंगे। दोस्तों इसी के लिए यहाँ पे चूंकि 100% वर्चुअल की बात चल रही है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे 100% वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी भी चलेगी, जिसका लेटेस्ट आज की डेट में एक नाम है, वो है माना। इस करेंसी को लेने के बाद में आप लोग तमाम टूर्स, ट्रेवल्स, मीटिंग्स, गेम्स, अवतार सब कुछ अपने कर पाएंगे और एक पूरी तरीके से नकली दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों जो मीटिंग्स आपकी अब तक होती चली आई हैं, अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँ, तो अब आप माने कि वो मीटिंग्स दरअसल आपका वर्चुअल अवतार अटेंड करना शुरू करेगा। जी हाँ, जैसे आप दिखते हैं बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार का एक प्रकार का मैस्कट या फिर एक कार्टून एनिमेटेड कैरेक्टर, जो आपकी हमशक्ल का भी हो सकता है और आपके मनपसंद का कोई कैरेक्टर भी आप उसमें ढाल के वर्चुअली तैयार कर सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं मेटावर्स में, और वो तमाम वो चीजें करेगा जो आप नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में करना चाहते हो या फिर आप नहीं भी कर सकते। जैसे कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाना, कुछ बिल्डिंग्स में एंटर करना, कुछ होटल को घूमना, अलग अलग मीटिंग्स अपने दोस्तों के साथ में होटल में पार्टी देना, म्यूजिक पे नाचना, गेम्स, स्पोर्ट्स और न जाने क्या क्या। इसकी दरअसल कोई सीमा नहीं है कि ये किस प्रकार से अपने आप को अनफोल्ड करेगा। इट विल बी अ टोटली बाउंड्रीलेस रियल वर्चुअल वर्ल्ड दैट विल बी क्रिएटेड थ्रू मेटावर्स। अब दोस्तों रियल वर्ल्ड में जो मीटिंग्स या फिर किसी प्रकार के आप ट्रैवल कर रहे थे, वो वर्चुअल वर्ल्ड में आपके अवतार, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो करेंगे। मगर इसमें खामी क्या है, अगर ऐसा होता भी है तो गलत क्या है? दोस्तों देखिए, मेरा स्ट्रॉन्गली ये मानना है कि मेटावर्स के जरूर कुछ बेनिफिट्स यानी कि फायदे हमें मिलेंगे, और सबसे प्रमुख जो कुछ फायदे हैं जो एकदम से दिमाग में आते हैं, वो है साइंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। जब फार्मास्यूटिकल्स या फिर मेडिकल के ग्राउंड्स पे लोग उपयोग करने लगेंगे, जी हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा ये वर्चुअल रियलिटी काम में आने वाली है। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, जो आज हम शायद विजुलाइज भी नहीं कर सकते, वो चीज़ें मेटावर्स के थ्रू हल होने लगेंगी। एक वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट होके आप वो चीज़ें बना सकेंगे जो शायद प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो, चाहे वो डेटा चर्निंग हो, चाहे वो एनालिसिस हो। एक बहुत ही अलग वेवलेंथ के ऊपर बात चली जाएगी जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, और ये इसका फायदा है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और केमिकल कॉम्पोजिशंस बनाने में केमिकल इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, मदद होगी। लेकिन दोस्तों अगर ये फायदा और मदद है तो फिर
हार्मफुल क्या है, डेंजर क्या है, जिसके लिए खास ये मैंने वीडियो अपनी पढ़ाई के बाद में आप लोगों तक बना के लाने की कोशिश की। तो आइए जानते हैं दोस्तों एक बहुत ही गहरी बात कि क्यों मेटावर्स या वर्चुअल रियलिटी अगर प्रवेश कर गई घरों घरों के अंदर तो फिर क्या बातें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा डरावनी साबित हो सकती हैं। दोस्तों आज हमारा 80-90% जीवन का हिस्सा स्क्रीन पे जा रहा है, मोबाइल, गैजेट्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, आप जहां जाएं देखिए वहां पे स्क्रीन ही स्क्रीन है। यहां तक कि अगर लोगों को हिला के कुछ अपनी बात सुनानी पड़ती है तो आपको कस के चीखना पड़ेगा सो डैट लोग आपकी ओर ध्यान देना शुरू करें। कोरोना के आने के बाद से एक चीज और ज्यादा हमने महसूस करना शुरू की कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे वो बीमार हो चाहे वो तंदुरुस्त हो, वो मैक्सिमम टाइम अपना सोशल लाइफ पे जीना पसंद करते हैं जो कि वर्चुअली कनेक्टेड हो। जी हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर कई कई घंटे लोग व्यतीत करते हैं, सारी मीटिंग्स जो हैं उनकी, जो ऑफिशियल मीटिंग्स थी या फिर पारिवारिक जो कनेक्शन वो चाहते थे जुड़ना अपने रिश्तेदारों दोस्तों से, वो कहीं ना कहीं ई मोड पर यानी वर्चुअली होना शुरू हो गया है। घरों के अंदर भी रहते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर परिवार वाले वैसे तो बैठते एक साथ हैं लेकिन होते स्क्रीन पर ही हैं। दोस्तों ये इतनी ज़्यादा बात बढ़ चुकी है कि इवन कपल्स, मैरिड कपल्स या पार्टनर्स भी अपने आप को एक साथ होकर भी एक अलग वर्चुअल वर्ल्ड में जीना पसंद करते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने सोशल अकाउंट्स में लॉगिन होकर ही वहीं पे ही चैट करते हैं या फिर और लोगों से मिलते हैं। तकलीफ सबसे बड़ी यह है दोस्तों कि अगर एक छत के नीचे साथ में रहकर भी पार्टनर, लाइफ पार्टनर्स, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर ये लोग अपने आप को ध्यान ना दे पाए, अपने ही अपने कामों में स्क्रीन के कारण बिजी रहें, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज तो फिर भी आप रियल वर्ल्ड में स्क्रीन को छोड़ के एक दूसरे को देख सकते हो, बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो या फिर घूमने जा सकते हो। लेकिन तब क्या होगा जब आपके ही घर के अंदर मेटावर्स प्रवेश कर जाएगा, वर्चुअल रियलिटी एक अभिन्न हिस्सा होगी आपके जीवन का। दोस्तों कुछ इस प्रकार का मंजर आप हर एक व्यक्ति को पाएंगे जो भी घर में होगा या ऑफिस में होगा। जी हाँ, फॉर एंट्रिंग इन टू द मेटावर्स वर्ल्ड आपको कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप देख के अपने अवतार को या फिर किसी भी चीज को टूर्स और ट्रेवल्स करने के लिए उसके थ्रू कनेक्टेड हो। दोस्तों जैसे ही आपने आंखों में ये धारण कर लिया, आप यकीन माने कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको बिल्कुल खबर नहीं रहेगी। छोटे छोटे बच्चे भी चाहे अपनी स्टडीज के लिए हों वो वीआर में एंटर कर जाएंगे। जो घर का हमारा माहौल एक प्रकार से कनेक्शन के लिए होता था, एक फैमिली बॉन्डेज पैदा करने के लिए होता था, जब हम स्कूल और कॉलेज या ऑफिस से थके मंदे आके बैठते थे किसी सोफे पे कहीं पे आपके ड्राइंग रूम में और आप मजे से या तो खेलते थे या फिर आप टीवी देखा करते थे एक साथ, ये बहुत जल्दी मेटावर्स या वर्चुअल रियलिटी आने के बाद में इस तरीके से तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, आपका पूरे घर का स्ट्रक्चर बदलने वाला है दोस्तों, और जब तक ये टॉप एंड ना हो आप भी शायद नॉर्मल घरों में, नॉर्मल कुर्सियों में, नॉर्मल सोफे पे बैठना पसंद ना करो। इट हैज टू बी कनेक्टेड टू द वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड, तभी कहीं जाके आपको मजा आएगी और ये सस्टेनेबल होगा। दोस्तों जो पुराने समय में बच्चे खेलकूद किया करते थे, आपस में एक दोस्ती यारी होती थी, एक रिश्ता पैदा होता था और जो माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया करते थे, बहुत जल्द वो चीज़ वर्चुअल रियलिटी या ये जो अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरीज मेटावर्स अपने साथ में लाएगा वो खा लेंगी। बच्चे अपने घर के बड़ों के बजाय ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, रोबोट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे या फिर कम्प्लीटली दुनिया से अलूफ होके अपने ही कमरों में वर्चुअल रियलिटी के सेटअप्स में जाके घंटों घंटों स्पेंड किया करेंगे। दोस्तों वो जो पुराना दौर था जिसके अंदर स्कूल से आते के साथ ही लोग बैग फेंक के बाहर अपने दोस्तों के साथ में, कॉलोनी के बच्चों के साथ में निकल जाते थे कुछ ना कुछ गेम्स खेलने, आउटडोर एक्टिविटीज़ करने, वो बहुत जल्द तब्दील होने वाली है मेटावर्स के आने पर। जी हाँ, अब अगर बच्चे बाहर मिलते भी हैं
तो भी आप पाएंगे कि वो अपने अपने साथ में अपने VR इक्विपमेंट्स लेकर आएंगे और उसी के बारे में चर्चा होगी जिससे उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जो बच्चे घर में रह के डांस और म्यूजिक की प्रैक्टिस किया करते थे, अब बहुत जल्द वो अपने वर्चुअल इक्विपमेंट्स के थ्रू, वर्चुअल जो अवतारित रूप में उनकी मैडम्स आएंगी उनके थ्रू वो डांस और म्यूजिक सीखेंगे, या फिर घर में ही अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी से लैस रोबोट्स होंगे जो उन्हें सिखाएंगे। जो बाहर निकल के मस्ती हुआ करती थी, तीज त्योहारों में बच्चे कनेक्ट होते थे और प्लेग्राउंड्स में जाके खुले आसमान को देखते थे, बहुत जल्द वो एक बंद कमरे में सीमित हो जाएगा। वहीं पे सारे के सारे अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरीज में बच्चे गेम्स खेला करेंगे और उनकी सारी कॉम्पिटिटिवनेस वहीं पर बंद कमरों में निकल के आएगी। जो परिवार आपस में कनेक्ट हुआ करते थे खाने के समय या फिर टी टाइम के समय, वो धीरे धीरे तब्दील होकर वर्चुअल रियलिटी जोन्स में जाकर ख़त्म होगा, जहाँ पे कि अपने अपने जो हाई एंड अपैरेटस हैं उसको पहन के या फिर ऐसे काउचेस में बैठ के लोग एक अलग दुनिया में भ्रमण करना पसंद करेंगे। मेटावर्स के आने के बाद लोग इकट्ठे मिलेंगे तो सही, लेकिन इस प्रकार के वर्चुअल एक्सपीरियंस जोन्स में जाने के लिए, जहाँ पे वो आपस में कोई बातचीत तो नहीं करेंगे लेकिन अपने फेक वर्ल्ड में वो तमाम वो चीज़ें करना चाहेंगे जो वो रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते। जो हमारा समय निकलता था, छोटे बच्चों का समय, जिसके अंदर वो क्रिएटिविटी से कुछ बनाया करते थे, कुछ सीखते थे अपने बड़ों से या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिससे उनकी बुद्धि का विकास चारों ओर से हुआ करता था, मेटावर्स के बाद में या वर्चुअल रियलिटी को बहुत ज़्यादा घर में आने के बाद में वो कहीं ना कहीं सीमित होके रह जाएगा कुछ स्क्रीन्स, कुछ वायर्स, कुछ कीबोर्ड्स और कुछ वर्चुअल रियलिटी के इक्विपमेंट्स के दरमियान। बाहर प्लेग्राउंड में गेम्स खेलने से ज़्यादा लोग एंजॉय किया करेंगे घर के अंदर पे वर्चुअल गेम्स खेलना। जो मज़ा आता था खुले आसमान के नीचे खुली सड़क पे बाइक राइड करने में, अब बहुत जल्द वो एक्सपीरियंस आप वर्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली अपने अवतार को भेज के एक वर्चुअल गाड़ी पे करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ आपको किक नहीं देगी। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? देखिए दोस्तों, बुराई कुछ नहीं है जब तक आप सिर्फ फील गुड एक्सपीरियंस करके लौट के आना चाहें, लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है जो आपको अपनी गिरफ्त में लेने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें करवाती है। आप देखिए नाइकीज का न्यू NFT स्नीकर्स जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड यानी मेटावर्स में जब लॉन्च हुआ तो वो $1,00,000 में बिका, यानी कि तकरीबन 70 लाख रुपए का। इसी तरीके से दोस्तों, जब मेटावर्स में, जैसे मैंने कहा था कि लोग ज़मीन भी खरीद सकते हैं, बिल्डिंगें बना सकते हैं और न जाने क्या क्या कर सकते हैं, तो आप ये मानिए कि ये चीज़ हो भी चुकी है। अभी जो लैंड परचेज की गई है वर्चुअल रियलिटी में अपनी जगह पाने के लिए, वो तकरीबन 19 करोड़ इंडियन करेंसी में तब्दील होके आती है। आप सोचिए दोस्तों, आप इतना सारा पैसा जो कि हकीकत में कमाया गया है उसको आप रियल वर्ल्ड का पैसा फेक चीज़ों को खरीदने में लगाने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे ही लोग 19 करोड़ या 70 लाख के जूते पहनेंगे या 19 करोड़ की आप ज़मीन खरीदेंगे, लेकिन भाई 70 लाख के ना सही, 70,000 के तो जूते खरीदने पे आप मजबूर होंगे, क्योंकि वहाँ पे जब अवतार में आप नंगे पांव घूमेंगे तो शायद लोग आपके ऊपर हंसना शुरू करें और वहाँ आपको कहीं ना कहीं मजबूरी में ऐसे कपड़े, ऐसे जूते और ऐसी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी जिसके लिए आपको असल वर्ल्ड, जो आपने खून पसीने की कमाई से कमाए हुए पैसे हैं उसको आपको कन्वर्ट करके क्रिप्टो करेंसी खरीदनी पड़ेगी और उस क्रिप्टो करेंसी से आपको ऐसी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। अब मेरा सबसे बड़ा चिंता का विषय, सबसे बड़ा प्रश्न ये है आपसे कि ये वर्चुअल फेक वर्ल्ड में जब आप असली पैसे डालने लगेंगे, दोस्तों आपके पास में ऐसे बहुत सारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके लिए आपको आमदनी में से कुछ पैसे अपने
खर्चा करने के अलावा भी बचा के रखने पड़ते हैं, जैसे रिटायरमेंट सेविंग, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज। अब आप सोचिए, अगर बहुत कम उम्र में ही आपको वर्चुअल रियलिटी का भूत सर पे चढ़ गया और ये वाले खर्चों की लत पड़ गई, तो आप शायद ही इस प्रकार की कोई मजबूत सेविंग्स कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही आपके पास में कोई चीज़ पैसे इकट्ठा होना शुरू हुए, सेविंग्स हुए, उसका कुछ पोर्शन आप ज़रूर मेटावर्स के थ्रू वर्चुअल रियलिटी में स्पेंड करने जाओगे। धीरे धीरे आगे चल के आपकी सोच भी 100% फेक और 0% रियल के ऊपर आधारित होगी, और वो दिन दूर नहीं होगा जब मेटावर्स में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके व्यतीत होने के कारण आप वैसे तो वर्चुअल खूब पैसा, फेक खूब सारा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन जब आप हकीकत रियलिटी में आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं लगा। बच्चों की ट्यूशंस, बच्चों की क्लासेस, बच्चों के म्यूजिक या स्पोर्ट्स, जब सब कुछ वर्चुअली कनेक्टेड होगा तो प्रैक्टिकली बाहर निकल के खेलना ही बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ऐसे जो कुछ बच्चे हैं जो आज भी रियलिटी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, वो मेटावर्स के आने के बाद में अपने आप को पूरी तरीके से तन्हा महसूस करना शुरू करेंगे। और यही नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेटावर्स यानी वर्चुअल रियलिटी फेक वर्ल्ड में जीने के कारण जब आप वो इक्विपमेंट्स और गैजेट्स हटा के सही जीवन में, अपनी असली जीवन में लौट के आओगे, तो आपको और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, रिसर्च एनालिसिस ये कहता है कि जब आप बहुत ज़्यादा वर्चुअल और फेक वर्ल्ड में जीते हैं, तो जब आप असल जीवन में लौट कर आते हैं, आप अपने आप को पूरी तरीके से डिसकनेक्टेड महसूस करना शुरू करते हैं। लोग क्या कर रहे हैं आसपास, ये समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। आप उनके साथ में मिक्स नहीं हो पाते। खाने पीने की चीज़ों में आपका ध्यान कम लगने लगता है। आप एक अलग ही दुनिया में विचरण करने लगते हैं, जो कि ना तो वर्चुअल है और ना ही रियल है। यदि आपके पार्टनर से भी आप कुछ बात करना चाहें या कुछ समझाना चाहें, प्रॉब्लम ये होगी कि वो अगर वर्चुअली कनेक्टेड है तो वो ना आपकी सुनेगा ना आपकी बात समझेगा। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा शादीशुदा जीवन में या लिव इन रिलेशनशिप वाले पार्टनर्स में, क्योंकि आपको यही नहीं समझेगा कि हम किस बात से खफा हैं, किस बात से नाराज़ हैं, क्या डिसकनेक्शन है हमारे बीच में, एक दूसरे की बात हम समझ क्यों नहीं पा रहे। दरअसल जड़ होगा मेटावर्स का अनरियल या फिर फेक वर्ल्ड, और ये समझने में इतना समय लगेगा कि आप काफ़ी दूर निकल के डिप्रेशन के शिकार होने लगेंगे। मैक्सिमम लोग जो अभी भी स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, वो अपने आप को सोशली डिसकनेक्टेड, अपने परिवारजनों से दूर और अकेलापन महसूस करते हैं। और इस अकेलेपन और डिप्रेशन से निकलने का जब आप माध्यम ढूंढेंगे, तो भी अनफॉर्चुनेटली आपको मेटावर्स यानी वर्चुअल रियलिटी का ही सहारा लेना पड़ेगा। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ विकृतियाँ, कुछ ऐसी गलत आदतें डेवलप हो जाती हैं जब आप पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो, या तो आप बहुत ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में जिएंगे, वर्चुअल लोगों से बात करेंगे, या फिर कुछ अश्लील पॉर्न साइट्स का शिकार हो जाएंगे, जो कि अगेन आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यदि आप उससे बच के निकले, तो फिर आप कहीं ना कहीं ज़रूर सट्टेबाजी, जुआबाजी, इन सब चीज़ों के गिरफ्त में आ जाएंगे। क्योंकि जब आपको आज लॉटरी खरीद के पैसे जीतने में मज़ा आती है, कहीं ना कहीं आपको स्पेकुलेशन करने में मज़ा आती है, तो फिर मेटावर्स आने पे वर्चुअल रियलिटी के जो कैसीनोज और जो चीज़ें होंगी, वो आपको कहीं ना कहीं क्राइम तक लेके जाने पे मजबूर कर देंगी। जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने चाहिए, वो अलग अलग प्रकार के क्राइम करके, कैसे ना कैसे करके क्रिप्टो करेंसीज या फिर पैसे कमाना चाहेंगे। दोस्तों, आगे जाके जब रोबोट हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग होंगे, तो ये भी कोई बात आश्चर्य की नहीं होनी चाहिए कि शायद ये भी सुनाई दे कि बहुत जल्द इंसान रोबोट के साथ में शादी करने वाले हैं। आपकी खुद की सेहत पर भी ये वर्चुअल रियलिटी एक सदमा बनकर आएगी, क्योंकि जब आप 5-5, 6-6 घंटे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, इक्विपमेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो आपकी आंखों पे प्रेशर पड़ेगा। आपकी आंखों की जांच करके ये मालूम पड़ेगा कि किसी प्रकार की नई बीमारी डेवलप हो चुकी है, और
आप ये भी देखेंगे कि बहुत जल्द लोग अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए अलग अलग तरीके की मेडिसिंस और आई ड्रॉप्स डालने लगेंगे। अगर आपको मेरा अनुमान गलत लगता है तो आप सारे रिसर्च के पेपर्स पढ़ लीजिए, सारी स्टडीज जो हॉस्पिटल्स और साइकेट्रिस्ट लोग कर रहे हैं उन्हें देखते चलिए। आपको यही निकल के आएगा कंक्लूजन कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम या वर्चुअल रियलिटी में जीने के कारण हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स बच्चे और बूढ़ों पर पड़ रहे हैं। दोस्तों, मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेटावर्स को घर में आने के पहले, आपके परिवार के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने के पहले ही रोक दीजिए, बॉयकॉट मेटावर्स। और अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ और सजेशन देना चाहूँ तो मेटावर्स बिजनेस मीटिंग्स, कॉरपोरेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्मी, मेडिकल, टूर ट्रेवल्स और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि घरों के अंदर बच्चे और परिवार के बीच के लिए। कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा।